Business Studies Unit 2, we'll talk about internal communication. We'll talk about internal communication. So see, you cannot use word communication because already it is there in the question. So aap कम्युनिकेशन को और क्या बोल सकते हैं? इट इज एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. सो इंटरनल कम्युनिकेशन क्या है? राइट डाउन, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एक मैसेज का गिवर होता है, एक रिसीवर होता है, दैट इज कम्युनिकेशन. सो इंटरनल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन हुम, बिटवीन ओके, सो मोर देन टू पीपल, या पीपल को हम क्या बोलेंगे, बिटवीन वन ग्रुप टू अनदर, दैट इज क्योंकि इंटरनल कम्युनिकेशन है तो इनसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. The process of exchanging information between one group to another inside the business. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैनेजर टॉकिंग टू एम्प्लॉइज, उनको समझा रहे ये हमारा टारगेट है, हमको इस तरह से अचीव करना है. तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन वन ग्रुप टू अनदर इनसाइड द बिजनेस इज नोन एज इंटरनल कम्युनिकेशन. सो क्या कम्युनिकेशन में देर इज फ्लो ऑफ मैसेज? यस और नो? देर आर पीपल हु विल रिसीव द मैसेज, there are people who will give the message, and it is within the business. So ek aur keyword aap use kar sakte hain, flow of message, and obviously within the organization. Itna serves you 2 marks. Sometimes what happens, children, is managers. See, there can be managers who are managing 15,000, 20,000, 30,000 people. So, but there are managers who do not like to delegate. That is, ye kaam aap kar lo. Wo nahi karna chahte. So, there may be a case study. Usme wo aapko dikhayenge ki ek aisa manager hai jo sab kaam khud se hi karna chahta hai. Wo delegate nahi karna chahta. What is the reason? So, the question is, why managers are reluctant? Reluctant matlab wo dar rahe, wo nahi karna chahte, they are not comfortable doing it. Why managers are reluctant to delegate? So कुछ मैनेजर्स ऐसे होंगे, देयर नेचर इज सच, दे वांट टू कंट्रोल थिंग्स ऑन देयर ओन. सो फर्स्ट इज दे वांट टू मेंटेन, दे वांट मैनेजर्स, दे वांट टू मेंटेन टोटल कंट्रोल, टोटल कंट्रोल with themselves. मतलब खुद के पास सारा कंट्रोल रखना है, नीचे डेलीगेट करना ही नहीं है. एंड वो उनका थॉट इसलिए भी हो सकता है, ऑल्दो उनके पास लोग हैं, उनको अपने ही लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं है. सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉयज, खुद के एम्प्लॉयज में कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सही से करेगा या नहीं पता नहीं.
देन यदि मैं किसी को काम करने को दे रही हूँ तो पहले उसको अच्छे से ट्रेन तो करो कि उसको ये काम आना चाहिए. आपने अपने एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रेन ही नहीं किया. जब ट्रेन ही नहीं किया तो मन में तो पता है ना कि अभी अच्छे से काम क्या करेगा. सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉयज बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड. They are not properly trained या उनके skills इतने अच्छे है ही नहीं. So यहाँ पर एक तो trained word use करना है आपको, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, lack of skills. किसकी lack of skills? Employees की. कोई भी skills को training से better बनाया जा सकता है, but आपने वो required training अपने लोगों को दी नहीं है. जब दी नहीं है तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा अपने एम्प्लॉयज में. कई बार सी इवन इफ अ टीचर गिव्स टास्क टू स्टूडेंट्स शी हैज टू एक्सप्लेन ऐसे करना है. आज यदि मैं आपको कुछ बीएस का होमवर्क दूंगी तो आई टेल यू आई वांट यू टू रीड दिस, राइट दिस, मेक अ पीडीएफ एंड सेंड इट टू मी. आई हैव टू एक्सप्लेन, अदरवाइज आप क्यों पीडीएफ बना के भेजोगे. या सो मैनेजर्स आर नॉट केपेबल of explaining the task. उनको explain करने नहीं आ रहा है ये काम कैसे करो, तो भी वो कैसे delegate करेंगे. So third point is managers are not capable of explaining the task. बट यदि 4 marks का एक क्वेश्चन है, फर्स्ट 2 points आर गुड इनफ. इलेबोरेट दीज टू ओनली, डोंट जंप अप टू सो मेनी पॉइंट्स. और पता चला किसी को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करो, फर्स्ट 2 प्रॉपरली एक्सप्लेन इनफ. हाँ आपके पास, लेकिन आप बहुत समझाने जाएंगे आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा. दैट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम. सो यू शुड अंडरस्टैंड टाइम मैनेजमेंट, दैट आई विल एक्सप्लेन. ओके, देखो लेवल ऑफ हायरार्की क्या होता है कि टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर उसके बाद लोअर लेवल. ओके, सो वो हायरार्की जो है, मतलब किसके नीचे कौन काम कर रहा है, दैट इज देयर. लेकिन कई बार यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द वर्ड प्रमोशन, कि एक लेवल से हमने दूसरे लेवल पे एम्प्लॉय को लेके गए. अब प्रमोशन इंटरनल भी हो सकता है, या फिर कोई जगह खाली है तो मैं बाहर से इंटरव्यूज लेके भी जगह फिल कर सकती हूँ. तो बोथ ऑप्शंस आर पॉसिबल. अब मुझे सीनियर मैनेजर चाहिए, मैं यदि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक सीनियर मैनेजर को लेकर आती हूँ, दैट इज, अब आप ये भी संभालो, दैट इज हैपनिंग नाउडेज. मतलब प्रमोशन होता ही है ना लोगों का. सो माई क्वेश्चन इज, राइट डाउन, रिक्रूटिंग senior manager from within the organization मतलब organization में से ही किसी का आपने promotion किया, तो इसके advantages क्या हो गए. If question asks 3 advantages, क्या देंगे हम? एक्सपीरियंस मतलब आपको पता है. उसके बाद और यू हैव ट्रस्ट ऑन देम, वेरी गुड. आपके रिलायबिलिटी, फिर वो जानता है, and they'll not demand more also. नहीं, demand more is not a point, क्योंकि वो ज़्यादा काम करेगा तो उसको expectation तो होगा ना, मेरा salary बढ़ेगा. So चलो हम points लिखना check करते. यदि within the organization में ही मैं किसी employee को और responsibilities दे रही हूँ, उसको promote कर रही हूँ, will that act as a motivator? Yes. Will they feel motivated? Yes. तो लिखो.
acts as motivator to employees. क्योंकि कई बच्चों ने ट्रस्ट वर्ड भी यूज किया था, दैट इज करेक्ट. एक्ट्स एज मोटिवेटर टू अदर एम्प्लॉइज. नो, हाँ, मतलब जिसको प्रमोशन मिल रहा है वो तो बहुत मोटिवेटेड होगा कि अब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम करूंगा. एंड अदर्स विल ऑल्सो सी एंड दे विल ऑल्सो ट्राई टू रीच दैट प्लेस, राइट? सो एक्ट्स एज मोटिवेटर टू एम्प्लॉइज, बिल्ड्स ट्रस्ट. जिसने ट्रस्ट वर्ड यूज किया था, गुड, बिल्ड ट्रस्ट, ठीक है. देन बिकॉज देखो, हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, देर आर कॉस्ट इन्वॉल्व. कोई मैनेजर को उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, टाइम इन्वॉल्व, कॉस्ट इन्वॉल्व, वो सब सेव हो जाएगी. ओके, सो अवॉइड कॉस्ट ऑफ, लिखो, अवॉइड कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. तो कॉस्ट मतलब कोई मैनेजर होगा जो इंटरव्यू ले रहा होगा, रिटन राउंड होगा, फिर मेडिकल भी उसका हम लोग करवाते हैं बिफोर अपॉइंटिंग, तो ये सब का कॉस्ट. सो इट इज ऑल्सो यू विल हैव टू ट्रेन दैट एक्सटर्नल पर्सन फॉर, वेरी गुड, उसको ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी. उसको क्या पता क्या काम करना है, तो वो ट्रेनिंग का कॉस्ट भी सेव किया, टाइम एंड एनर्जी सेव्ड. ओके, बट टाइम एंड एनर्जी सेव्ड आगे का एक्सप्लेनेशन ही है सिर्फ. इसका अलग से कोई मार्क्स नहीं है, ये सिर्फ आपके सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए. यदि आप एग्जाम में लिख के आओगे टाइम एंड एनर्जी सेव्ड, इसका कोई मार्क्स नहीं है. अवॉइड कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, इसका मार्क्स है. देन या दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. देन बिजनेस नोज द इंडिविजुअल ऑलरेडी, तो फेमिलियर है ना, तो एक पॉइंट है फेमिलियर इंडिविजुअल. He already knows how the organization works. What are the rules and regulations of the organization? And uska training ka jo cost is basically that process, the process of how the company works. So he already knows. Abhi training cost sirf naye jo kaam hai uska training cost lagega. Pura ki hamara organization kaise kaam karta hai uska training ka koi cost nahi hai. To training cost saved. And don't use word experienced. Experienced है वो जो काम है वो तो नया काम उसके लिए है ही ना, जो भी काम है वो नया है. So don't use the word experienced because it is not a valid answer. So recruiting senior managers from within the organization के advantages देखो एक बार, and then we'll move on fast children. Ma'am. Yes. Supposingly from 10 employees, we take one employee and promote that person. Yeah. So for that other 9 employees, that person is already familiar. So that's the familiar point, no? Familiar individual. Not only to other employees, to the organization also. As an organization, if I am a company, I know mere employee ke ye. देखो, एज अ ह्यूमन बीइंग सबके कोई ड्रॉबैक होंगे एंड सबके कोई प्लस पॉइंट्स होंगे. आई नो नाउ दैट ही इज केपेबल ऑफ डूइंग सो एंड सो थिंग्स, एंड ये मेरे एम्प्लॉय के वीक पॉइंट्स है. सो एज अ ऑर्गेनाइजेशन आई नो हिम वेरी वेल, तो वो जिसमें स्ट्रांग था उसी चीज के लिए उसको प्रमोट करूंगी. ओके, एंड ही इज फेमिलियर टू अदर पीपल इज ऑल्सो ओके, बट नॉट द मेन पॉइंट. But how if it's a very big It's a very big organization, so anyway, we won't be able to keep track of those many employees. Yeah, yeah. For example, that is true.
यदि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग यूनिट्स होते हैं, सारे यूनिट के लोग भी एक दूसरे को नहीं पहचानते. इनफैक्ट आई विल टेल यू, फॉर द कोरोना वैक्सीनेशन आई हैड गॉन टू द प्लेस माय हस्बैंड्स ऑफिस हैड ऑर्गेनाइज्ड ये सारा कोरोना का वैक्सीनेशन. व्हेन आई वेंट टू द ऑफिस टू द प्लेस वेयर वैक्सीनेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड, ऐसे लग रहा था कि 10 शादी के लोग एक साथ आ गए. एंड इट वॉज सो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड. एंड डू यू थिंक माई हस्बैंड विल रिकॉग्नाइज सबको? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. स्टिल एवरीवन प्रॉपर लाइन में सब कुछ. तो आप अपने सारे यूनिट के लोगों को भी जानते नहीं होंगे, बट ऑर्गेनाइजेशन तो जानता है कि इस आदमी का क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है. सो दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड. जो आपका प्लस पॉइंट है उसको यूज करके आपको प्रमोट करूंगी, अब ये भी काम करो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, डू यू थिंक कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिना कम्युनिकेशन के तो मैं एक क्लास नहीं ले सकती, पढ़ाऊंगी कैसे? सो कम्युनिकेशन को कैसे हम बेटर करें, कैसे हम इम्प्रूव करें, कम्युनिकेशन के लिए हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो वेज ऑफ कम्युनिकेशन, देखो यदि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स है, ब्यूटिफुल ऑफिस है, एसी लगा हुआ है उधर, मस्त में बैठो, बट कम्युनिकेशन ही नहीं है. यदि कम्युनिकेशन नहीं होता है, कोई काम कराना पॉसिबल नहीं है. सो वेज इन विच, वो आपको पूछ सकते हैं कि क्या क्या कम्युनिकेशन के वेज है, आप क्या चूज करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन. वेज इन विच कम्युनिकेशन कैन बी इम्प्रूव्ड. We are talking about people in business and how to motivate them. तो बिना कम्युनिकेशन के क्या मैं साइन लैंग्वेज यूज करूं? अरे हमको आज हमारा टारगेट अचीव करना है. वो बहुत फनी होगा. ठीक है, सो द आंसर इज, आप देखो सबसे पहले कि क्या क्या वे से आप कम्युनिकेट कर सकते हो. सो वन इज टेलीफोन, फास्ट लिखो टेलीफोन. Then you can use email. Then you can use meetings. Online or offline? Meetings can be both online and offline. यदि आपको online है तो like video conferencing, Zoom meeting. अभी आप Zoom पे ही हो. So video conferencing. ये सब आप यूज कर सकते हैं फॉर कम्युनिकेशन. इनफैक्ट आप ऑफिस के बाहर नोटिस बोर्ड भी यूज कर सकते हैं. नोटिस बोर्ड, हाँ. सो माय पॉइंट इज, आपको ये देखना है कि कोई चीज आपको फास्ट बतानी है अपने एम्प्लॉयज को. सो व्हाट इज द फास्ट वे? सबसे पहले सिचुएशन को चेक करो कि मान लो ऑफिस में आग लगी है कहीं और आपको अपने एम्प्लॉयज को बोलना है भागो, तो क्या ईमेल टाइप करूंगी भागो? दैट इज नॉट पॉसिबल ना. फिर आपको ये भी देखना है कि कॉस्ट किस में कम आ रही है. फिर आपको ये भी देखना है कि एम्प्लॉय ने मेरी बात समझ ली है कि नहीं, और समझी है तो हाउ डू आई नो उसने मेरी बात समझ ली है, मुझे फीडबैक भी तो लेना है वापस से. सो अभी हम सिर्फ जैसे ईमेल है तो इट गिव्स यू अ रिटन एविडेंस, राइट डाउन हियर, रिटन एविडेंस कि कोई चीज कम्युनिकेट हुई, बट देन उसने पढ़ा है कि नहीं, देन दैट इज आल्सो अ क्वेश्चन. कैन वी यूज व्हाट्सएप? उसमें वी कैन सी इफ इट्स व्हाट्सएप या मैसेजेस या व्हाट्सएप. बट सी व्हाट्सएप क्या है, इट इज नॉट वन इज एकदम ऑर्गेनाइजेशनल वे, दैट इज फॉर्मल वे. व्हाट्सएप फ्रेंड्स ग्रुप और इसके लिए है. अंटिल अनलेस आप ऑफिस का व्हाट्सएप बना दो एंड यू से कि नहीं ये व्हाट्सएप का भी जो है वो एज गुड एज अ रिटन एविडेंस है. ओके, सो व्हाट्सएप ग्रुप ओके, बट उसमें इनफॉर्मल मैसेजेस फ्लो होंगे, फॉर्मल मैसेजेस नहीं. सो टेलीफोन इज वर्बल कम्युनिकेशन, राइट डाउन. टेलीफोन इज वर्बल कम्युनिकेशन. इसमें लाइन का डिस्टर्बेंस हो सकता है,
line disturbance is minus point. ठीक है, सो डिस्टर्बेंस हो सकता है. उसके बाद अगला आदमी मैं बोल रही हूँ हाँ हूँ हाँ समझ गया, सच में समझाया नहीं मुझे नहीं पता है, बिकॉज मुझे नहीं पता है कि उसको समझाया नहीं. सो कई बार फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज वेरी गुड, दैट इज फेस टू फेस पर्सनल कम्युनिकेशन इज वेरी गुड. मुझे मैं समझ सकती हूँ कि अगले को समझाया नहीं, तो वन वे इज ऑल्सो फेस टू फेस पर्सनल कम्युनिकेशन, बट दैट इज नॉट पॉसिबल एवरीवेयर. इफ आई एम अ सिंगल पर्सन वॉन्ट टू एड्रेस 1000 पीपल आई विल यूज मीटिंग्स. एक एक को थोड़ी ना हेलो सुन मेरे को तेको कुछ कहना है, दैट इज नॉट पॉसिबल. नोटिस बोर्ड ईजी है कि लगा दिया इंफॉर्मेशन, लोग आते जाते पढ़े, बट देन लोगों ने पढ़ाया नहीं, दैट इज अगेन अ पॉइंट. सो अभी हम सिर्फ वेज के बारे में बात करें, टेलीफोन, ईमेल, मीटिंग्स, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, नोटिस बोर्ड, ये सब तरीका हो सकता है कम्युनिकेशन का. कब कौन सा यूज करना है, वी विल टॉक अबाउट इट. एंड नोटिस बोर्ड आल्सो सम एडवर्टाइजमेंट्स कैन हेल्प द रीडर्स टू. हाँ, नोटिस बोर्ड पे जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप लगा सकते हैं. ओके, बट जब भी कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आएगा हमेशा चेक करो कि फीडबैक इज इम्पोर्टेंट. वी कैन गिव फीडबैक फॉर्म्स. फीडबैक फॉर्म्स कैन बी गिवन, बट यस इट इज नॉट कंपल्सरी दे विल फिल एंड गिव यू बैक. बट फीडबैक लिमिटेड हो जाता है, हर जगह मुझे फीडबैक मिलना पॉसिबल नहीं है. तो यदि लॉन्ग चेन ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट इज इवन आपने कभी वो गेम खेला है जिसमें है ना एक आदमी दूसरे के कान में कुछ बोलता है, वो गोल 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 चाइनीज विस्पर, एंड में वो बात का कुछ और ही बात बन जाता है ना, बिकॉज लॉन्ग चेन ऑफ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन का मे बी मैसेज कुछ और था और उसका मतलब कुछ और ही हो गया. तो फीडबैक एक तो लिमिटेड होता है एंड द मैसेज कैन बी बोलेंगे डिस्टॉर्टेड. तो कई बार लॉन्ग लिख लो, ये लॉन्ग चेन ऑफ कम्युनिकेशन तो इसका माइनस पॉइंट या डिसएडवांटेज क्या है, मैसेज कैन बी डिस्टॉर्टेड. कुछ मतलब था उसका, कुछ ही बन गया. सो दिस इज द नेगेटिव पॉइंट. लॉन्ग चेन ऑफ कम्युनिकेशन मेनी मतलब टू मेनी पीपल, देन पीपल माइट बी वर्किंग इन शिफ्ट्स, तो भी ये प्रॉब्लम होता है. The problem can be where? Yeah, the problem can be in understanding. Okay, now they ask you one more question. What is organizational structure? Because कुछ तो होता है ऐसे, कहीं भी बैठ के कोई भी काम नहीं कर सकता. तो what is organizational writer? Organizational structure. So it refers to level of management hote top middle lower. Answer is it refers to level of management. It refers to level of management and wo log kya kar rahe hain, unko jo kaam diya ja raha hai wo kar rahe hain. And division of responsibilities level of management and division of responsibilities within an organization. लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉप मिडिल लो, तीन लेवल है. उस लेवल पे कौन क्या काम करेगा, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, टॉप लेवल मैनेजमेंट वो लोग तो पॉलिसीज फ्रेम करते, फिर मिडिल लेवल को देखना है कि वो पॉलिसीज कैसे वो प्रैक्टिकली
इम्प्लीमेंट करते हैं और लोअर लेवल को काम करना है मतलब एक्चुअली ऑन फ्लोर क्रिएटर्स एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट टेक्स डिसीजंस मेक्स पॉलिसीज. तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कीवर्ड्स क्या यूज करने हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड उनके डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है. विद इन एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सो वॉट आर यू डूइंग बेसिकली, यू आर डिफाइनिंग रोल्स ऑफ पीपल एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम. सो एक और लाइन लिख लो, डिफाइनिंग रोल्स ऑफ पीपल एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम. यू आर नॉट सपोज टू राइट 4, 5, 6, 7 लाइन, नॉट रिक्वायर्ड. बस ये 2 लाइन इज इनफ विथ कीवर्ड्स, बस हो गया. इसी को अच्छे से करो, नॉट दैट हम लंबा आंसर लिखेंगे तो हमको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. इट इज अबाउट कीवर्ड्स चिल्ड्रन, द गेम इज ऑफ कीवर्ड्स एंड यूजिंग देम प्रॉपरली इन योर ओन सेंटेंस. हम लोग को मगअप भी नहीं करना है कि बस कीवर्ड्स ध्यान रखना है, ये नहीं कि पूरा पूरा सेंटेंस लर्न कर रहे हो. वी आर नॉट यू नो, हम लोग तोते तो है नहीं कि रटे बैठ के. कीवर्ड ध्यान रखो, उसको अच्छे से यूज करो. दैट इज ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड. सो इफ यू से कम्युनिकेशन इज पुअर, इसका क्या मतलब होता है? इफ दे से कम्युनिकेशन इज पुअर, तो इसका क्या मतलब है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस. हाँ, ये कॉमन मिस्टेक है. अभी मैंने बोला कम्युनिकेशन इज पुअर और बच्चे ने यूज किया लैक ऑफ कम्युनिकेशन. जो क्वेश्चन में वर्ड था वही आंसर में, तो मार्क्स मिलता है फिर 0. तो क्या करना है हम, पुअर कम्युनिकेशन यदि वो बोल रहा है तो वर्ड क्या यूज करें? द पर्सन कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन इज कंफ्यूज्ड. अच्छा, कैन वी से द, हाँ बोलो बोलो. Can we say that the communication between the level of management between the employees is distorted? Partly correct. मैं बताती हूँ इसको कैसे लिखना है, और एक बार वो ट्रिक समझोगे ना तो दूसरे क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हो. लिखो, कम्युनिकेशन इज पुअर, इसका मतलब क्या है, कैसे एक्सप्लेन करें? देखो, कम्युनिकेशन के लिए हमने बात यूज किया था कि प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन ग्रुप्स, इस सबको कम्युनिकेशन कहते हैं. अब ये पुअर है तो इसको कैसे बोलेंगे? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, लिखो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन is not functioning effectively. जो कम्युनिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, इसका मतलब is not functioning effectively. क्या मैंने क्वेश्चन में कम्युनिकेशन वर्ड था, क्या मैंने उसको आंसर में यूज किया है? No. नहीं, और आपको भी नहीं करना है. okay? या फिर एक और लाइन में हम एक छोटा सा लाइन, मैसेजेस लिखो, मैसेजेस आर नॉट गेटिंग थ्रू, या मैसेजेस आर नॉट अंडरस्टूड प्रॉपरली, नॉट गेटिंग थ्रू, या मैसेजेस कैनॉट बी इंटरप्रेटेड प्रॉपरली, जो यूज करना है करो. मैसेजेस आर नॉट गेटिंग थ्रू और इंटरप्रेटेड प्रॉपरली, so understand how do you address a simple question.
इन क्वेश्चन कम्युनिकेशन का है, आंसर में कम्युनिकेशन वर्ड अवॉइड कर और फिल. ओके, नाउ मेरे नीचे मान लो 20,000 लोग काम करते हैं, क्या मैं सारा काम, दैट इज पॉसिबल यू नो, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक एक आदमी 50,000 लोगों को भी संभालता है. तो माय क्वेश्चन इज, आप डेलीगेट करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट काम तो खुद करें और लेस इम्पोर्टेंट काम उन लोगों को दें. क्या मैं सारा काम हमेशा खुद से कर सकती हूँ? इज इट पॉसिबल? मैन ह्यूमन बींग इज अ सोशल एनिमल, सारा काम खुद से कैसे करेगा? टीम टीम वर्क आना चाहिए उसको, ग्रुप में रहने आना चाहिए. राइट डाउन ओके टू टू वेज नहीं टू एडवांटेजेस. आप खुद नहीं लिख रहे हो और सिर्फ मुझे देख रहे हो, 10 दिन में तुमको कुछ पता नहीं होगा मैंने क्या किया है. 10 दिन क्या, नेक्स्ट डे? हाँ नेक्स्ट डे पता नहीं होगा. टू एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन. ओके चलो चलिए, टू एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन. सबसे पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि अपने नीचे के एम्प्लॉय को, सो ही फील्स मोटिवेटेड. तो मैं सिर्फ कीवर्ड्स दे रही हूँ, मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज, क्योंकि आपने उनको क्या दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी. और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती, अथॉरिटी भी देनी पड़ती है कि जो पावर चाहिए आपके स्कोप में, जो पावर है वो यूज करके ये काम कराओ. तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है और उसको अथॉरिटी भी दी है. यू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, फाइनल से आपका ही रहेगा बट फिर भी उसको वो उतना काम करने का स्पेस तो दो. देन जो डेलीगेट कर रहा है, he can focus on more important matters. Likho, management can focus on more important matters. यदि आप motivated हैं, क्या आपकी efficiency बढ़ेगी? So I am giving you authority, responsibility. So अपने आप ही इसके आगे explain करना, increasing employees efficiency. Efficiency. So ऐसे नहीं काम, ऐसे सब नहीं लिखना faster way में काम हो जाएगा, बहुत ही इफेक्टिव वे में काम हो जाएगा. नो, एफिशिएंसी बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दे रहे हैं. ठीक है, दीज वर्ड्स कैन फॉर्म पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन बट आर नॉट द फुल आंसर्स. अब यदि मैं किसी एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ, उसको अथॉरिटी दे रही हूँ, उसका काम बहुत एफिशिएंटली हो रहा है, विल दैट इंक्रीज हिज जॉब सेटिस्फैक्शन? तो वो पॉइंट इसी के साथ मर्ज करके लगना है, अलग से पॉइंट नहीं है. सो आप कैसे लिखेंगे, टू एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन, दैट इज कुछ काम उनको करने को दिया, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, क्योंकि उनको पता है कि आई एम ट्रस्टिंग देम, सो मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, आई एम गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू डू द वर्क. दिस विल इंक्रीज एम्प्लॉयज एफिशिएंसी एंड इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन. वन सिंगल पॉइंट, इसको चार पॉइंट बना के लिख के नहीं आना है. ओके, तो इंक्रीजिंग एम्प्लॉयज एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, लिखो. कहां लिखूं मैं भी वही सोच रही हूं. जॉब सेटिस्फैक्शन वापस से बोलती हूँ, इफ आई डेलीगेट वर्क एम्प्लॉयज विल फील मोटिवेटेड बिकॉज आई हैव गिवन देम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अकम्प्लिश अ वर्क. दिस विल इंक्रीज एम्प्लॉयज एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन. वन सेंटेंस एंड डन.
Everyone, please show me your written work. Take 1 minute break and come back. What's your name?